बाबू भैया ने एक बार फिर से कॉपी गिरनी शुरू कर दिया मुनावर फारूकी की। अरे यार, ये बाबू भैया बोल क्यों नहीं देता कि मुनावर मैं भी तेरा फैन हूँ, मैं तुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओ शिट यार, अगर ये बाबू भैया ऐसी बात बोलेगा, जो चीज़ वो बाहर से प्लान करके आया है, वो चीज़ जो प्लान करवा के आया है, उस चीज़ के ऊपर ये चल कैसे पाएगा। अभी अंदर आने के बाद तो बंदा पसंद आ गया, उसकी चीज़ें पसंद आ गई है, पर फिर भी अपने आप को रोक रहा है, धक्का लगा के चल रहा है। काफ़ी बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है, बाबू भैया बहुत सारी चीज़ें मुनावर फारूकी की कॉपी करते हैं। जो चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मुझे पक्का पता चल गया कि आप मेरी कंटिन्यूसली वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली मेरी बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी भी पिछली वाली बातें आगे भी लेके आके बताती हूँ। अब मुनावर फारूकी काफ़ी बार कैमराज के साथ बात करते हैं, बिग बॉस के साथ बात करते हैं, कैमराज के साथ बात करते हैं, अपनी गेम को अपने ऑडियंस तक पहुँचाते हैं कि उन्होंने ये चीज़ क्या फील की, कैसे फील की, क्यों फील की। और अब भी जो है, जो बाबू भैया है वही सोफे पे जहां पर मुनावर बैठता है, उसी सोफे पे बैठा हुआ अकेले कितनी देर से कैमरा में बात कर रहा है। यहां पर रिश्ते नाते कुछ नहीं है, पर मैंने जो रिश्ते बनाए हैं वो मैंने दिल से बनाए हैं। यहां पर रहना ही कितने दिन है, कुछ ही दिन में चले जाएंगे, पर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। खानजादी और मनारा के साथ मेरे इतने डिफरेंट चीज़ें हुई, पर फिर भी मैं आज भी उनकी केयर करता हूँ, उनको उनके लिए कंसर्न दिखाता हूँ। ये मैं हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। अब भाई आप कैमरा के साथ भी बात करने लग गए, तो बाबू भैया और राइडर बोल दो कि तुम भी मुनावर के फैन हो, क्योंकि मुनावर के जो फैन है ना, वो मुनावर की इन चीज़ों को कॉपी करते हैं और वो हक से बोलते हैं, यार हम मुनावर फैन है। अभी बताओ आपको कितना मजा आया मेरी गॉसिप सुन के। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।